बात करते हैं दृश्यम के म्यूजिक की। अजय देवगन की आने वाली फिल्म जिसके म्यूजिक कंपोजर हैं विशाल भारद्वाज, लिरिक्स लिखे हैं गुलजार साहब ने, सिंगर्स हैं अरिजीत सिंह, के एश किंग, रेखा भारद्वाज और राहत फतेह अली खान। यहाँ पर म्यूजिक इंडस्ट्री के वो लोग जुड़े हैं जिनके नाम आते ही म्यूजिक अपने आप पॉपुलर हो जाता है, पर कमाल की बात यह है कि दृश्यम का म्यूजिक अब तक पॉपुलर नहीं हो पाया है। दृश्यम का पहला गाना है क्या पता, इसे विशाल भारद्वाज ने कंपोज किया है, अरिजीत सिंह ने इसे आवाज दी। ये गाना काफी सोलफुल, काफी अच्छा लेकिन नॉन रिकॉल गाना है जिसकी रिकॉल बहुत ज्यादा नहीं होने वाली। ये गाना बहुत ही थीम बेस्ड है इस फिल्म के बाकी गानों की तरह, जो सिचुएशन के साथ सुनने में ज्यादा मजा देता है। नेक्स्ट सॉन्ग इज कार्बन कॉपी। ये फिल्म का कोई आइटम नंबर नहीं बल्कि एक सॉफ्ट और सूदिंग ट्रैक है। इसे भी बड़े आराम और इत्मीनान से एश किंग ने अपनी आवाज दी है और विशाल भारद्वाज ने उसी ही इंटेंसिटी से कंपोज किया है जैसी कि फिल्म को जरूरत है। नेक्स्ट सॉन्ग इज कब कहां से। केके ने इस गाने को संभाला है, इट्स दी हेवी हैंडेड रॉक वर्जन ऑफ क्या पता। ये गाना क्या पता से बेटर है लेकिन अब भी आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नहीं ले जाता। नेक्स्ट सॉन्ग इज दम घुटता है। रेखा भारद्वाज की पावरफुल और सोलफुल आवाज जिसने विशाल भारद्वाज की कई फिल्मों के म्यूजिक को चार्ट बस्टर्स पर पहुंचा दिया है, वही आवाज इस गाने को भी खास बना रही है। और उनके साथ इस गाने में राहत फतेह अली खान की आवाज जुड़ गई है, यानी ये गाना आपके रोंगटे खड़े कर सकता है लेकिन तब जब आप फिल्म देख रहे हो। ऑल द म्यूजिक इज डिपेंडेंट ऑन द फिल्म। कमाल की बात है कि दृश्यम जो कि एक तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म का रीमेक है, उसमें किसी भी तरह से म्यूजिक की खास जगह नहीं है। यहाँ पर रोमांटिक नंबर्स नहीं है, पेड़ों के आसपास डांस करते हुए हीरो हीरोइंस नहीं है और आइटम नंबर्स नहीं है, इसलिए फिल्म का म्यूजिक पॉपुलैरिटी मीटर पर सिर्फ 2 स्टार्स ले पाता है। फिल्म के सबसे अच्छे गाने हैं कब कहां से और दम घुटता है। इसके गानों को एंजॉय करने के लिए आपको फिल्म देखने थिएटर में जाना पड़ेगा, तभी ये गाने आप फील कर पाएंगे।